पंजाब से हाथीनाला के रास्ते डीसीएम ट्रक से झारखंड ले जाए जा रहे 50 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब को हाथीनाला पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से एक अंतरराज्यीय शराब तस्कर सहित धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी सर्विलांस हाथीनाला थाना की संयुक्त पुलिस टीम ने मंगलवार को हाथीनाला तिराहे के पास से एक डीसीएम ट्रक में लदा 680 पेटी अंग्रेजी शराब इंपीरियल ब्लू जिसकी कुल मात्रा 6120 लीटर बरामद कर अंतर्राज्यीय शराब तस्कर जगदीश पुत्र ढेलवा देवी निवासी वीरगढ़ थाना ठिपोम जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार किया। जगदीश ने पूछताछ में बताया कि डीसीएम गाड़ी व माल का मालिक प्रदीप पुत्र अज्ञात निवासी हरियाणा से है, उसके आदेश से ही वो अवैध अंग्रेजी शराब की खेप को ऊंचे दामों में बेचने के लिए हाथीनाला के रास्ते झारखंड ले जा रहा था। गाड़ी पकड़ी गई है और उसमें क्या पकड़ा गया, कितना लीटर पकड़ा गया और कहाँ से गाड़ी आई थी, कहाँ जा रही है? आज सुबह 10:30 बजे के आसपास मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर हाथीनाला पुलिस एसओजी सर्विलांस द्वारा एक डीसीएम जिसका नंबर HR 45B9818 है वो पकड़ी गई। उसमें 680 पेटी शराब थी इंपीरियल ब्लू जो कि अमृतसर पंजाब से आ रही थी और जो ड्राइवर था उस चला रहा था जगदीश वो हिमाचल का रहने वाला है। इसका जो मुख्य मालिक है वो प्रदीप करनाल हरियाणा का रहने वाला है। इस शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये। और उसके क्या गिरफ्तार हुआ है सर, उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी एक ही लोग पकड़ा गया है जो इसमें ड्राइवर जो लेकर चल रहा था। सर जो इनके मालिक वगैरह जो शराब आती है लगातार पकड़ी जाती है और इसमें सोनभद्र पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है लेकिन उनके मालिकों तक पहुँच जो नहीं पा रही है, एकाक लोगों को पकड़ी है। हाँ मालिक पकड़े गए हैं लेकिन मालिक भी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के हैं, पंजाब के हैं, कहीं पंजाब से चल रहा है कहीं हरियाणा से चल रहा है मोस्टली, तो काफ़ी लोग हैं तो हम लोग मालिकों तक भी पहुंच रहे हैं। सर जितनी भी शराबें पकड़ी जा रही है जनपद में उनको डिस्ट्रॉय कब तक किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी मात्रा में शराबें जनपद सोनभद्र में पकड़ ली गई हैं? देखिए उसके निस्तारण की एक प्रक्रिया है, जैसे ही कोर्ट द्वारा उनको निस्तारित कर दिया जाएगा मामले को उसके बाद शराब को भी डिस्ट्रॉय कर दिया।